जी कल हम लोग देख रहे थे क्या, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और नोट्स पीएचपी ये इसमें आते हैं। स्केलर डेटा टाइप में आपने इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यू को यानी कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर टाइप की डेटा को यूज करते हो। फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग आपने देखा था कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो भी करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, आपने देखा था। बुलियन यानी कि यहाँ पे बुलियन का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का मतलब वन और जीरो का मतलब नथिंग, यानी कि फॉल्स को अगर प्रिंट कराओगे, फॉल्स को प्रिंट कराओगे, इको कराओगे तो आपको ब्राउजर पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, यानी कि फॉल्स का मतलब है होता है यहाँ पे नथिंग। हम लोग एरे कंपाउंड डेटा टाइप देख रहे थे और कंपाउंड डेटा टाइप में एरे डेटा टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें से आपने एरे के टू टाइप देखा था, ठीक है। एरे के टू टाइप्स को आपने देखा था, कौन सा? थ्री टाइप्स को देखा था। एक था आपका इंडेक्सेड इंडेक्सेस एरे, या तो उसको बोल सकते हो न्यूमेरिक एरे, दूसरा होता है दूसरा आपका मल्टी डाइमेंशनल एरे और एसोसिएटिव एरे। तीन एरे आपके एरे के टाइप देखा था आपने। तो यहाँ पे आते हैं बुलियन, और ये तो आपके स्केलर डेटा टाइप हो गया। एरे का डेफिनेशन भी लिखवाया था शायद, क्यों? एरे तो बताया था ना कल कि नहीं बताया था? डेटा टाइप किसी और पेज पे लिखवाया था क्या? एरे कल पढ़ाया था ना, फ्लोट गेट टाइप बुलियन। अच्छा ऐसे केवल एग्जांपल कराया था क्या एरे? बताइए भाई, केवल एग्जाम्पल कराया था कि बताया था? नोट्स इसमें है नहीं एक्चुअली। तो एरे में आपको बताया था हमने कि टाइप्स बताए थे, एरे में एक बताया था इंडेक्सेस या इंडेक्सेड एरे, यानी कि जिसमें न्यूमेरिक की होता है, या तो इसको बोल सकते हो न्यूमेरिक एरे। दूसरा बताया था, दूसरा बताया था एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे, एंड थर्ड बताया था मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। बताओ भाई, इसमें हमने हमने क्या बताया था आपको? शायद न्यूमेरिक एरे कल कंप्लीट किया था, न्यूमेरिक एरे कल कंप्लीट किया था, है ना? हाँ, इंडेक्सेस एरे बता दिया था। ओके, इंडेक्सेस एरे में आपको बहुत सारे तरीके से आप उस पर भी और भी हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं। जैसे एक तरीका आपको बताया था एरे को आपने उसका डेफिनेशन देख लिया था कि इंडेक्सेस एरे में क्या होता है। इंडेक्सेस एरे में जो इंडेक्स होता है या की होता है, इसमें की जो होता है यानी कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट किस पे होते हैं, न्यूमेरिक की पे होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक की यानी कि न्यूमेरिक इंडेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, है ना? यानी कि यहाँ पे हमने बताया था कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट न्यूमेरिक की है, न्यूमेरिक की और इंडेक्स बोल सकते हैं। एसोसिएटिव एरे में, एसोसिएटिव एरे में मैंने बताया कि एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग टाइप के की पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, ये आप अभी पढ़ोगे इसका डेफिनेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ एरे को आप बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ एरे को आप बोलते हो, कलेक्शन ऑफ एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे या नेस्टेड एरे बोल सकते हो। तो यहाँ पे पीएचपी में कलेक्शन ऑफ एरे को आप मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हो। तो चलो आते हैं,
अब न्यूमेरिक एरे पे हम आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो आपको एरे बनाने का बहुत सारे सिंटेक्स बताए थे और आपको रिप्लाई करना है, देखना है, बताना है। तो पहला तो हमने एरे बनाने के लिए बताया था ARR इक्वल एरे फंक्शन। और यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे आपने किया यानी कि जो भी आइटम्स यानी जो भी कलेक्शन बनाना है आप वो पास कर सकते हो, यानी कि हमने कर लिया राम। और यहाँ पे जो एरे होता है डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू का कलेक्शन होता है, हमने कर लिया श्याम। और यहाँ पे हमने कर लिया इंटीजर टाइप की वैल्यू, यहाँ पे कर लिया फ्लोट टाइप की वैल्यू, और यहाँ पे कर लिया बुलियन टाइप की वैल्यू। एक तो ये था, दूसरा सिंटेक्स बताया था या डॉलर ARR इक्वल। आप यही चीजें कहाँ कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि PHP 5 में आप ऐसे भी एरे बना सकते हो। और एक बताया था कि आप एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, यानी कि ARR इक्वल आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और जिस भी इंडेक्स पे आपको वैल्यू असाइन करना है, यानी कि अब वैल्यू देना है 0 इंडेक्स पे, जिस भी इंडेक्स पे देना है, जरूरी नहीं है कि 0 पे, तो आपको 0 इंडेक्स पे देना है। जो आपने ये नहीं, मेरी कह रही कि मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल जो भी आपको वैल्यू देना है 10 देना है, ठीक है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्योंकि देखो अलग अलग लाइन पे असाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा। वन आपने वन किया 2 इंडेक्स पे, यानी कि सब सभी यानी कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स सब पे आपने 10 कर दिया, 20 कर दिया, चलो और जो भी वैल्यू असाइन की। तो एक ये तरीका था। एक और तरीका है, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ARR डॉलर डॉलर ARR इक्वल, ठीक है, एरे फंक्शन यूज कर सकते हो और उसके बाद ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका क्या है एरे बनाने का, देखो आपने ARR बनाया इक्वल, आपने एरे फंक्शन यूज किया, एरे फंक्शन यूज किया, अब इसके अंदर आप डायरेक्टली आप एरे असाइन एरे यानी कि की को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। आपको पता है, आपको मैंने बताया कि न्यूमेरिक एरे में सर नोट्स लिखवाया था, हाँ लिखवाया था, ठीक है ठीक है, ओके चलो। तो ठीक है, आते हैं यहाँ पे एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन भी यूज करते हो। तो एरे को आपने यहाँ पे डिक्लेयर करके आप एक एक इंडेक्स पे आप क्या कर सकते हो, यानी कि इंडेक्सेस एरे में जो ये न्यूमेरिक ये जो की होता है, मैंने बताया था कि जो की होता है वो न्यूमेरिक होता है। इंडेक्सेस एरे में यानी कि न्यूमेरिक एरे में जो एलिमेंट प्रेजेंट, ये एलिमेंट है इसका, इस एरे का ये एलिमेंट है, इस एरे का ये एलिमेंट है, इस एरे का ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये न्यूमेरिक की पे प्रेजेंट रहेंगे, ये आपका होगा न्यूमेरिक एरे में। और यहाँ पे एरे ऐसे बना सकते हो, या तो आप देखो यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है फिर उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका एरे का बनाने का ये भी है कि आपने एरे बनाया और एरे फंक्शन यूज किया और यहाँ पे जिस की पे आपको वैल्यू असाइन करना है, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप की पास करोगे और एरो यूज करोगे। एरो यानी कि हम चाहते हैं 0 0 पे 0 की पे हम चाहते हैं क्या वैल्यू, मान लो कि 10 ही देना है, तो आप लिखोगे 0 और यहाँ पे 10 और कॉमा से सेपरेट करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे, यानी कि 0 की पे 0 की पे क्या चला जाएगा भाई, 10 वैल्यू चला जाएगा। या तो हमें करना है मान लो कि 1 की पे, तो 1 की पे हमने कर लिया, 1 की पे कर लिया मान लो राम कर लिया, तो यहां इसके अंदर अगर करते हो एक इसके अंदर वैल्यू की पे आप प्रोवाइड करते हो, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट आपने एरे को डिक्लेयर किया और उसके बाद उसके एक एक इंडेक्स पे आप वैल्यू को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो क्या यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, लेकिन डायरेक्टली आप की को वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐसे बना सकते हो। फिर दूसरा आइटम हमें देना है, तो हमने 1 2 की पे मान लो करना है, 2 की पे मान लो करना है ट्रू, ठीक है, तो ट्रू कर लिया। तो ऐसे ऐसे भी एरे बना सकते हो, या तो ये न्यूमेरिक एरे की मैं बात कर रहा हूं, या तो आप क्या कर सकते हो, ARR डॉलर ARR इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट भी बना सकते हो,
सेमी कॉलन लगाना होगा सब में, लास्ट में सेमी कॉलन यूज कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये बनाया था ये, वैसे हमने PHP 5 में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके भी बना सकते हैं और ऐसे असाइन कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे। अब क्या ये बताओ कि क्या ये हमारा जो की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो की प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सीरियलाइज ही होगा क्या, यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही होना चाहिए क्या? क्या हम जरूरी है जीरो, हम डायरेक्ट 10 से स्टार्ट नहीं कर सकते? देखो तो PHP मैंने बताया था कि जो एरे स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आप की प्रोवाइड नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट होगा। आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करना चाहते थे, 10 20 30, आप 10 के बाद 20 पे स्टार्ट करना चाहते हो, फिर 30 पे आप वैल्यू को प्रोवाइड करना चाहते, तो वो आपको की प्रोवाइड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इतने सारे तरीके थे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसका एक प्रैक्टिस देख लें, कर लें, बताओ भाई। डेफिनेशन नहीं बताया थे इसका? अच्छा, इंडेक्सेस एरे का बताया था, ठीक है। तो देखो इसका एक छोटा सा इस टाइप का आपने एग्जांपल नहीं देखा था तो मैंने किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और question mark php यानी कि इसकी PHP का स्क्रिप्ट बनाया और इसको हमने एरे बनाया, सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हमने सेव किया इसको, यानी कि यहाँ पे आते हैं और सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, डॉक्स के अंदर, और यहाँ पे आते हैं सिलेबस PHP, और यहाँ पे हमने सेव किया demo15.php, demo15.php सेव किया। एरे डिक्लेयर करने का हमने ये भी तरीका बताया। या तो आप इसको एक ही लाइन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो एक ही लाइन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वन इंडेक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेपरेट सेमी कॉलम से नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे जीरो की पे क्या है, 10 है, 1 की पे क्या है, राम है, और 2 की पे क्या है, ट्रू है। 2 की पे क्या है, ट्रू है। अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं भाई, तो आपको डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए मैंने एक बताया था print_r function, ठीक है, एरे को के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए print_r फंक्शन बताया था। और एरे का नाम क्या है, डॉलर, यानी कि ARR वेरिएबल पे हमने होल्ड किया है। इसको सेव कराते हैं और रन कराने के लिए आपको जैम सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने जैम सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ, तो एरे फंक्शन का आपने एरे को प्रिंट करना है तो print_r फंक्शन आप पहले लिखवाया था आपको रन कराने के लिए। ये इसका नाम क्या दिया था, demo 15 आते हैं तो local host /syllabus php, ठीक है, syllabus php में demo 15, तो ये ऐसा आया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को आप अलग अलग देखो, जैसे हमने असाइन कर रहे थे उस टाइप में प्रिंट कराना है, प्री फॉर्मेटेड में, यानी कि सही फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो आप पता है कि प्री फॉर्मेटेड में HTML में आप यूज करते हो, या तो आप टैग यूज करते हो XMP टैग, या तो यूज करते हो प्री टैग। इसको सही फॉर्मेट में आपको दिखाना है, यानी कि पहले एरे बन जाए, उसके बाद एक एक इंडेक्स पे एलिमेंट को दिखाए कॉमा से सेपरेट करके। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे HTML में आपने पढ़ा होगा XMP प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, तो XMP या तो आप यूज कर सकते हो प्री टैग। तो प्री टैग यूज किया, प्री टैग की यहाँ पे ओपनिंग करी तो क्लोजिंग कहाँ पे करोगे, यहाँ पे ये प्री टैग, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट दिखाया हमको प्री फॉर्मेटेड में दिखाना है, तो हमने प्री टैग यूज किया और यहाँ पे इको, उसके बाद प्री टैग की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो XMP टैग यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज किया प्री,
ये सारे टैग मैंने HTML में पढ़ाए हैं, आप वीडियो देख सकते हो जिसको HTML में अगर कंफ्यूजन है तो, और HTML भी आप पढ़ लो जिसको बेसिक आइडिया HTML का नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे सारी चीज़ें। और एक चीज़ और कि आपकी MySQL के भी क्लासेस, क्योंकि इसमें MySQL आप पढ़े रहोगे अच्छे से तभी आपको प्रोजेक्ट आगे बनाना होगा, जैसे एजेक्स पढ़ पाओगे, एजेक्स वगैरह आपको पढ़ना है अभी, तो आपको आपके MySQL के भी क्लासेस इवनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पे हमने प्री टैग इससे पहले लगाया और इससे पहले इसकी क्लोजिंग करी। अब देखो जो एरे हमने प्रिंट कराया था, जो हमने एरे प्रिंट कराया था, एक मिनट, जो एरे प्रिंट कराया था वो कैसा आ रहा था, इस टाइप से आ रहा था। और यहाँ पे देखो अब यानी कि इस टाइप में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि देखो जीरो इंडेक्स पे आपने क्या असाइन किया है, 10, और यहाँ पे राम, और वन पे टू पे वन। वन का मतलब यानी कि ट्रू का मतलब आपको पता है, ट्रू का मतलब यहाँ पे वन होता है। अगर मैं कर दूं यहाँ पे कर दूं फॉल्स, तो क्या वहां पे जीरो आएगा क्या, बताइए जीरो आएगा क्या? नहीं, देखो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि जीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पीएचपी में क्या है, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा मतलब कि क्या है ये, इसका मतलब है फॉल्स का मतलब है नथिंग, आपको पहले ही लिखवाया था। आप यहाँ पे उसके लिए XMP टैग यूज कर सकते हो, या तो प्री टैग यूज कर सकते हो प्री फॉर्मेटेड के लिए। तो देखो ये ऐसा है। तो अब एक सिंटेक्स ये भी था, है ना। अब हम हमारा रिक्वायरमेंट है, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया कि नोट्स पे आते हैं। अब आपको रिप्लाई करना है कि मैंने एक एरे बनाया, ARR एरे इक्वल कर लिया, ऐसे भी एरे बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो एरे में हमने जीरो इंडेक्स पे हमने क्या कर लिया, जीरो इंडेक्स पे हमने कर लिया 10 कॉमा, हमने जीरो इंडेक्स के बाद डायरेक्ट हमने किया 50 इंडेक्स पे कर लिया राम, जीरो के बाद डायरेक्ट हमने कर लिया 50 इंडेक्स और 50 इंडेक्स पे कर लिया राम। ठीक है, उसके बाद हमने कर लिया 40 एंड 50 एंड फिर हमने कर लिया उसके बाद 50 के बाद कर लिया डायरेक्ट आते हैं 30 पे, 30 इंडेक्स पे आया और 30 इंडेक्स के बाद हमने कर लिया इसको चलो श्याम, और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे कर लिया एक मान लो कोई भी वैल्यू, हमने कर लिया 1000। चलो अब ये बताओ, और उसके चलो तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो जीरो इंडेक्स पे 10 है इसका इंडेक्स, उसके बाद आपने 50 इंडेक्स पे कर लिया है राम, राम के बाद इसका इंडेक्स क्या होगा आप बताओ, इसका इंडेक्स क्या जीरो के बाद वन होगा कि 50 के बाद 51 होगा आप बताओ, और इसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स यानी कि श्याम का इंडेक्स तो आपने 30 किया है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा बताइए। हमने यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स पे 10 असाइन किया है, फिर उसके बाद 50 इंडेक्स पे क्या असाइन किया है राम, तो इसका इंडेक्स तो आपने नहीं डिफाइन किया, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो के बाद वन होगा कि 50 के बाद 51 होगा, और उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा, और इसका इंडेक्स इसको श्याम को आपने क्या किया है 30 इंडेक्स पे, तो इसका 1000 का इंडेक्स क्या होगा बताइए, बताओ भाई। एक मिनट, बताओ भाई, एक मिनट थोड़ा चैट को हम ठीक है, बताइए भाई रिप्लाई करो। जीरो के बाद 50 होगा, नहीं 51 होगा, वेरी गुड। और 41 क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बार हायर इंडेक्स आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जीरो है, जीरो पे तो आपका 10 है, और 10 के बाद आपने इंडेक्स कौन सा बना दिया 50, 50 पे आपने बना दिया
राम, तो अभी तक का हायर इंडेक्स कौन सा है, उसी के बाद वो इंक्रीमेंट होगा। यानी कि अभी तक का हायर इंडेक्स 0 है कि 50 है, 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1 नहीं आएगा। हायर इंडेक्स अभी क्या है, हायर इंडेक्स 50 है, तो 50 के बाद इसका आपने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया, तो 0 के बाद 1 नहीं आएगा, ये आएगा 40। किस इंडेक्स पे आएगा, यानी कि 50 के बाद हायर इंडेक्स क्या है, 50, तो उसके बाद आ जाएगा ये 51 पे, ये 52 पे। अब उसके बाद क्या है, 30, 30, 30 के लिए, 30, 30 पे क्या है, श्याम। तो 30, तो श्याम तो 30 पे आएगा, लेकिन 1000 का इंडेक्स क्या होगा, 1000 का इंडेक्स देखो, हायर इंडेक्स अभी तक का क्या है, क्या 30 है, 30 है क्या, नहीं, हायर इंडेक्स क्या है भाई, यानी कि 50 के बाद ये 50 था, तो ये 51 और ये 52, तो ये 30 आने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी अभी तक का हायर इंडेक्स जो भी होगा उसके बाद ही इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये हो गया आपका 50, 51, 52 एंड ये हो जाएगा आपका 53 पे। चलो, तो इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है, इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, इसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमने आपको अभी बताया कि प्रिंट अंडर स्कोर आर फंक्शन का यूज करते हो। तो यहां पे आते हैं एक नए टैब पे, और डेमो हमने कर लिया, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, क्वेश्चन मार्क इसकी क्लोजिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट बनाया और एरे बनाया, सेव कर लेते हैं, डेमो 16.php, ठीक है, डेमो 16 और एरे 0 इंडेक्स, 50 इंडेक्स पे राम, और ये फिर उसके बाद 30 इंडेक्स पे श्याम, और ये 1000। देखो, प्रिंट कराया, पहले तो हमें एक सही फॉर्मेट में दिखाना है, इसलिए मैंने प्री टैग का यूज किया, इसलिए कि एरे किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये आपको दिखे। और यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंट अंडर स्कोर आर फंक्शन का, और जिसको प्रिंट किया डॉलर ARR, ठीक है, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग कर ली, प्री टैग की क्लोजिंग कर ली, रन कराया, यहां पे आते हैं, ठीक है, 16, डेमो 16 किस नाम से सेव किया भाई, डेमो 16 कहीं और सेव कर दिया क्या, इसको हमने वहां पे सेव नहीं किया है, लोकेशन चेंज हो जा रहा है इसमें, तो सेव कर कहाँ करते हैं, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर आते हैं, जैम के अंदर, और यहाँ पे ST डॉक्स के अंदर आते हैं, और PHP सिलेबस, सिलेबस PHP यहाँ पे सेव कर लिया, और उसके बाद रन कराते हैं। तो देखो, पहले आपने देखा था कि 0 इंडेक्स पे तो ये है, और 50 इंडेक्स पे आपने किया था राम, तो उसके बाद का आपने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया था, उसके बाद का आपने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया था, तो क्या हुआ, यहाँ पे आया 51, 51 पे 40, और 52 पे 50, उसके बाद 30 पे आपने श्याम को इंसर्ट कराया, यानी कि 50, 30 इंडेक्स पे श्याम को आपने श्याम को असाइन किया, उसके बाद भी हायर इंडेक्स ही, हायर इंडेक्स के बाद ही वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये हो गया आपका 1053 पे। अब चलो, मैंने इसी में एक चीज और बढ़ाया, और फिर से मैंने कर दिया 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे हमने कर दिया टिक वाली, अब क्या आएगा, अब बताओ अब क्या आएगा, अब रिजल्ट क्या आएगा, 0 इंडेक्स पे तो अब दो चीजें हो गई ना, 0 इंडेक्स पे यहां पे देखो क्या है, 0 इंडेक्स पे यहां पे क्या है, यहां पे आपने 0 इंडेक्स पे किया है 10, और यहां पे फिर से 0 इंडेक्स पे कर दिया, या तो चलो इसके इंडेक्स को हमने हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसके हमने बताया था कि एरे का, न्यूमेरिक एरे का बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग स्टार्ट किससे होती है, 0 से होती है, तो ये किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे, और फिर से आपने 0 पे क्या कर दिया, टिक पाइल को होल्ड करा दिया, तो क्या आएगा बताइए भाई, इस 0 इंडेक्स पे फिर से आपने टिक पाइल को होल्ड कर दिया, तो क्या आएगा, यानी कि टिक पाइल को असाइन कर दिया, तो ये देखो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू यानी कि 0 इंडेक्स पे पहले क्या था, 10 था, और वो पुरानी वैल्यू यानी कि नए वैल्यू से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे आपने दो दो वैल्यू डिफाइन किए, क्योंकि हमने बताया था कि न्यूमेरिक एरे का बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और उसी 0 इंडेक्स पे आपने क्या कर दिया, टेक पाइल को होल्ड करा दिया, तो ये पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से रिप्लेस होकर, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, आपका टेक पाइल आ जाएगा, समझ पा रहे हो, बताओ भाई, समझ
समझ पा रहे हो सभी लोग? चेक फाइल आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो जीरो इंडेक्स पे क्या आया, टेक फाइल। तो ऐसे आप बना सकते हो, यानी कि और इसी को मैंने आपको फॉर ईच, यानी कि इसके एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करने के लिए आपको दो तरीके बताए थे। एक सबसे कलेक्शन बेस, आपको किसी कलेक्शन से आपको डेटा को प्रिंट कराना है तो आपको हमने क्या बताया था कि फॉर ईच फंक्शन सबसे बेटर होता है। या तो फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे? इसके जीरो इंडेक्स से चलाओगे, जीरो से चलाओगे लेंथ -1 तक, यानी कि एरे के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो एरे का लास्ट एलिमेंट हमने बताया था इसके लेंथ -1 पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जीरो से लेके लेंथ -1 तक लूप चलाओगे और उसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो एक फॉर लूप का यूज करके। या तो आप एरे के हर एलिमेंट एक 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 वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हो, यानी कि हमने यूज किया फॉर इच और यहाँ पे फॉर ईच की क्लोजिंग, यानी कि हमने यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या, कलेक्शन ARR एज, यहाँ पे एज कीवर्ड, और उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। हमने डॉलर एक्स कर लिया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन के फॉर ईच जो फंक्शन है, ये फॉर ईच फंक्शन इस कलेक्शन के हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा। ये फॉर ईच फंक्शन इस कलेक्शन के हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा, यानी कि पहले कॉल होगा किसके लिए, 10 के लिए, और वो एलिमेंट किस में आ जाएगा, एक्स में। फिर कॉल किसके लिए होगा, राम के लिए, और वो एलिमेंट किस में आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉल होगा 40 के लिए, और वो इसमें एलिमेंट इसमें आ जाएगा डॉलर एक्स में। फिर इस एलिमेंट के लिए कॉल होगा और ये एलिमेंट किस में आ जाएगा, डॉलर एक्स में। यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच फंक्शन चलेगा, यानी कि फॉर ईच लूप चलेगा इसके एरे के हर एलिमेंट के लिए, उसका एक एक एलिमेंट डॉलर एक्स में आएगा। अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इको ऑफ क्या कर सकते हो, डॉलर एक्स में एक एक एलिमेंट आ रहा है। तो अभी तो ये क्या करेगा कि केवल हमें एलिमेंट प्रिंट करेगा, की प्रिंट करेगा क्या, इसका इंडेक्स प्रिंट करेगा क्या, बताओ इसका इंडेक्स प्रिंट करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, इसका इंडेक्स प्रिंट नहीं करेगा। देखो, और मैंने एलिमेंट को प्रिंट कराया, देखो यहां पे यूज किया है इको, और ठीक है, और एक एक एलिमेंट यहां पे आपका प्रिंट होके आया, ठीक है। टेक पाइल राम 40 50 श्याम, और इसी में आप ब्रेक करना चाहते हो, BR टैग यूज करना चाहते हो तो आप BR यूज कर सकते हो। अच्छा चलो एक चीज बताओ कि यहाँ पे कॉनकेट करने के लिए कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हो, इको फंक्शन यूज किया है तो, इको फंक्शन यूज किया है तो यहाँ पे कॉमा से कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बताओ यहाँ पे कॉमा से प्रॉब्लम होगी क्या? हमने बताया था कि यहाँ पे इको फंक्शन मल्टीपल स्ट्रिंग को कंटेन कर सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर इको फंक्शन है, अगर प्रिंट होता तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन इको है तो आप यहाँ पे कॉमा का भी यूज कर सकते हो और डॉट का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहाँ पे न्यू लाइन पे आ रहा है, तो अभी तो क्या आ रहा है कि इसका एलिमेंट आ रहा है, यानी कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, यानी कि वो एलिमेंट आ रहा है, यानी कि पहले आया एक्स में क्या, लेकिन एक्स में जब एरे जैसे ही आपने बनाया तो जीरो इंडेक्स पूरा, ये एरे जब बनेगा तो ये पुरानी वैल्यू 10 टेक पाइल से रिप्लेस हो जाएगी और इस पे आ जाएगा टेक पाइल। अब यहाँ पे टेक पाइल आया तो यानी कि डॉलर एक्स में क्या आएगा, पहले टेक पाइल आएगा, फिर उस यानी कि फॉर लूप इसके लिए चलेगा, फॉर ईच लूप, फिर ये एलिमेंट आएगा, फिर ये एलिमेंट आएगा, फिर श्याम आएगा एंड 1000 आएगा और प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अभी तो केवल आप एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हो, लेकिन हमें की भी प्रिंट करना है कि इसका की, यानी कि की आपको पता है कि न्यूमेरिक एरे में की जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। तो यानी कि ये जीरो जीरो इंडेक्स पे टेक पाइल, हम इसके की को भी प्रिंट कराना चाहते हैं कि कौन सा डेटा किस की पे प्रेजेंट है। तो देखो उसके लिए फॉर ईच लूप में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एरो लगाना पड़ता है, और ये होता है पहला जो वेरिएबल होता है वो की का होता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो किसी भी नाम का। तो यहाँ पे लिखोगे, अभी तो केवल वैल्यू आप एज वेरिएबल करोगे, एक सिंगल वेरिएबल यूज करोगे तो इसमें केवल क्या आएगा, वैल्यू आएगा, लेकिन आप की भी चाहते हो
की चाहते हो और वैल्यू भी चाहते हो। तो यहाँ पे की बनाने के लिए आप पहले लिखते हो और वैल्यू क्या करते हो, एरो इक्वल एरो करके और उस पर वैल्यू असाइन करते हो। तो वैसे ही सेम, यानी कि यहाँ पे 50 की पे आपको राम को असाइन करना था, तो आपने एरो लगाया और यहाँ पे क्या यूज किया, राम। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि यानी कि यहाँ पे पहले की होगा और की के बाद क्या होगा, एरो, और उसके बाद आपका वैल्यू होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे की है, यहाँ पे की है एरो और उसकी वैल्यू है, वैसे यहाँ पे की एरो और उसकी वैल्यू हमने डॉलर वी कर लिया। तो अब ये बताओ कि डॉलर एक्स में क्या आएगा, बताओ डॉलर एक्स में क्या आएगा, की आएगा, यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स क्या है, 50, इसका इंडेक्स क्या है, इसके बाद इसका इंडेक्स क्या है, 51, इसका इंडेक्स क्या है, 52, उसके बाद 30, इसके बाद 53। तो ये आएगा, देखो अभी क्या आएगा, अभी रिजल्ट इससे पहले क्या आ रहा था आपका कि राम और जो भी इसका वैल्यू था वो आ रहा था, लेकिन अभी हमने किसको प्रिंट किया है, अभी एक्स को प्रिंट किया है। तो एक्स क्या है, की, और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, डॉलर वी को प्रिंट कराओगे। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे प्रिंट किया, क्या आ रहा है भाई, आपका इंडेक्स आ रहा है 0, उसके बाद 50, 50 के बाद 51, उसके बाद 52, उसके बाद 30, उसके बाद 53। तो ये तो आया आपका, यानी कि इस पे आएगा की और एरो के बाद वाले पे वैल्यू असाइन करते वैसे, तो वहां पे आएगा वैल्यू। तो वैल्यू को भी प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे देखो हमको ऐसा मैसेज देना है, मान लो कि एलिमेंट्स कौन सा है? पहले एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो पहले एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हमने लिखना है एलिमेंट किस पे आ रहा है भाई, डॉलर वी पे, डॉलर वी कॉमा। अभी देखो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पोलेशन भी आपको बताएंगे, तो आप एक ही सिंगल डबल कोट्स के अंदर आप सारा एलिमेंट लिखोगे, प्रिंट कराओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी पुराना तरीका जो आप जानते हो वैसे जानो। तो हमने डॉलर वी, अभी क्या आएगा, इसके एलिमेंट आएंगे, हमको मैसेज देना है, मैसेज देना है। तो हमें मैसेज क्या देना है कि प्रेजेंट प्रेजेंट एट किस इंडेक्स पे, या प्रेजेंट एट किस की पे प्रेजेंट है, ये हमें की को प्रिंट करना है। प्रेजेंट एट और की का नाम देना है कि प्रेजेंट एट किस की पे प्रेजेंट है भाई। तो की को प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, की को प्रिंट करने के लिए वो की किस पे आ रहा है, डॉलर एक्स पे आ रहा है। यानी कि क्या आएगा, यानी कि पहले आएगा टेक्पाइल, टेक्पाइल प्रेजेंट एट 0 की, फिर उसके बाद राम प्रेजेंट एट 50 की। आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो, डॉट के, अगर इको है तो डॉट की जगह पे कॉमा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो तो लाइन को, अभी तो यहां पे आया, लाइन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमको लाइन को ब्रेक करना है, तो आप यूज कर सकते हो इससे पहले बी आर टैग, या तो इसी में हमने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर लाइन के बाद ब्रेक करना है तो हमने बी आर टैग लगा लिया, तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका आया टेक्पाइल प्रेजेंट एट 0 0 की, आपको की भी लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 0 की, ठीक है, 0 की, जो भी जिस भी की पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो टेक्पाइल प्रेजेंट एट 0 की, राम प्रेजेंट एट 50 की, की या तो इंडेक्स बोल सकते हो, 40 प्रेजेंट एट 51 की, एंड 50 प्रेजेंट एट 52 की, एंड श्याम प्रेजेंट एट 30 की, एंड 1000 प्रेजेंट एट 53 की। तो ऐसे आप एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। अब चलो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देखना है हमें, हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने बार बार क्या करना पड़ा है, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ा है कि कॉनकेट करने के लिए आप कॉमा लगाए हो या डॉट यूज कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं इसको, मैंने किया कमेंट, कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन, कमेंट करने के लिए आप स्लैश का यूज कर सकते हो या तो हैश का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको, बताओ भाई। हाँ चलो, तो यहाँ पे हैश यूज कर सकते हो या स्लैश यूज कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इसके एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली इसके अंदर लिख दें, हमने चलो इसके अंदर हमने डायरेक्टली लिखा, अगर इसके अंदर हमें वेरिएबल की, डबल कोट्स के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहो, तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट वही प्रिंट हो जाएगा या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगा, बताओ। हमने डॉलर डॉलर कर लिया एक्स, तो क्या ये वैल्यू प्रिंट होगा कि डॉलर एक्स ही प्रिंट होगा, रिप्लाई करिए, बताइए भाई। नहीं, देखो डॉलर एक्स को प्रिंट कराओगे तो यहां पे क्या है कि पीएचपी में अगर सिंगल कोट्स के अंदर करोगे,
ये चीज है, आप सिंगल कोट्स के अंदर करते हो तो सेम एज इट इज यही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज है तो ये क्या प्रिंट करेगा, या डेटा को प्रिंट कर देगा, यानी कि डॉलर एक्स प्रिंट नहीं करेगा, इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। और डॉलर एक्स में क्या है, डॉलर एक्स में पता है आपको कि इसका की आ रहा है, इस एरे का की आ रहा है, और देखो प्रिंट किया आपका उसका की, ठीक है, यानी कि 0 50 की प्रिंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे पीएचपी के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर भी वेरिएबल को, आप वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो, यहाँ पे आपको कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो अब यही मैसेज हमें देना है कि हमने लिख दिया डॉलर एक्स, यानी कि या तो डॉलर वैल्यू, हमें पहले वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वो वैल्यू किस पे आ रहा है, डॉलर वी पे आ रहा है। प्रेजेंट हमें लिखना है, प्रेजेंट एट, और उसके बाद हमें लिखना है क्या, हमें किस की पे प्रेजेंट है, तो वो की किस पे आ रहा है, वो की आ रहा है आपका, वो की किस पे आ रहा है, डॉलर एक्स पे आ रहा है, तो हमने लिख दिया डॉलर एक्स, हमने डॉलर एक्स कर दिया, तो डेटा प्रिंट होके आएगा कि नहीं। उसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो बी आटा है, डेटा प्रिंट होके आएगा। देखो डबल कोट्स के अंदर, पीएचपी में डबल कोट्स के अंदर आप डेटा को प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन यही सिंगल कोट होता तो ये सपोर्ट नहीं करता। तो आप इतना, आपको कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। देखो क्या केस क्या बनेगा, प्रॉब्लम आने का, इतना प्रिंट हो रहा है, आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, सारा कुछ प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपको कॉन्केट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। चलो तो यहां पे आपने किया, ऐसे तो प्रिंट कर लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या कभी आ सकता है, अगर ये मैंने अभी तो डेटा प्रिंट हो रहा था, आपने देखा मैंने प्रिंट कराया, डेटा प्रिंट हुआ, लेकिन इसी में अगर मैं ये स्पेस को हटा दिया, आप क्या डेटा प्रिंट होगा क्या, बताओ भाई, अब डेटा प्रिंट होगा क्या। हमने क्या किया कि डॉलर वी और उसमें स्पेस देना भूल गए, हमने प्रेजेंट लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट से पहले स्पेस नहीं दिया, और यहां इससे पहले बीआर से पहले स्पेस नहीं दिया, डेटा प्रिंट होगा क्या, नहीं, इसके केस में देखो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो तो आया कि नहीं, तो क्या करना है, इसके लिए सही तरीका क्या है, इसके लिए सही कि आप स्पेस को ना भूलो, इसके लिए जो भी आपको डबल कोट्स के अंदर अगर वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करना है तो आप क्या लगाइए, यहाँ पे जैसे जावा स्क्रिप्ट में आपको स्ट्रिंग, वहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट में भी आप ये तरीका यूज कर सकते हो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए वहाँ तो वेर कीवर्ड का यूज करते हो, तो वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में क्या करते हो कि ये डॉलर सिंबल इसके बाहर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करते हो, तो यहाँ पे यूज कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप स्पेस को, अब यहाँ पे स्पेस दो या ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही तरीका क्या है कि अगर डबल कोट्स के अंदर अगर वेरिएबल के डेटा को प्रिंट करना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, एक आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे स्पेस का कभी प्रॉब्लम हो सकता है, जल्द आप भूल सकते हो, तो आप क्या करो कि जो भी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है उसको आप एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट कराओ, अब देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और सारा डेटा आपका प्रिंट होके आएगा, देखो, ठीक है। अब यहां पे स्पेस दो या ना दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस हमने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये आपका था न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक एरे में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, अभी बताओ भाई, अभी तक के न्यूमेरिक एरे में कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको समझ आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव एरे पे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, आपने देखा कि न्यूमेरिक एरे में जो एलिमेंट्स किस पे प्रेजेंट था, जो एरे के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो न्यूमेरिक की पे या न्यूमेरिक इंडेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। यानी कि न्यूमेरिक एरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूमेरिक की पे प्रेजेंट होते हैं या न्यूमेरिक इंडेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव एरे में मैंने लिखवाया है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट स्ट्रिंग की, यानी कि यहां पे कोई नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। चलो एसोसिएटिव एरे पे आते हैं, हमने दूसरा बनाया एसोसिएटिव एरे,
एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, यहां पे इन एसोसिएटिव एरे एलिमेंट्स प्रेजेंट एट स्ट्रिंग की, वहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग की पे आपके एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इन एसोसिएटिव एरे एलिमेंट्स प्रेजेंट एट स्ट्रिंग की, यानी कि यहाँ पे जो एरे एलिमेंट जो होते हैं, एरे के एलिमेंट जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिंग की पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो यहाँ पे हमने एरे बनाने के लिए बहुत सारे सिंटेक्स आपको तरीका मैंने बताया था, तो हमने एक बनाया यहाँ पे डॉलर ए आर आर इक्वल एरे फंक्शन, ठीक है, एरे फंक्शन। अब यहाँ पे आपको मैंने इससे पहले सिंटेक्स में बताया था किसी भी की पे आपको वैल्यू असाइन करना है तो क्या यूज करते हो, एरो, एरो यूज करते हो। यहाँ पे 30 की पे आपको क्या करना था, श्याम को असाइन करना था, तो आपने 30 इक्वल श्याम कर लिया। लेकिन ये जो यहाँ पे एसोसिएटिव एरे में ये जो की होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। चलो मैंने यहाँ पे बनाया, इस नोट्स पे आते हैं और यहाँ पे एरे बनाना है, मैंने कर लिया, हमने नेम नाम का एक की बनाया और नेम की पे मैंने, नेम की पे हमने होल्ड कराया, हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी है तो हमने लिख दिया राव, ठीक है, ठीक है। तो ये एक की बनाया कॉमा, अब यहाँ पे जो की है स्ट्रिंग टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप का नहीं है। दूसरा हमने बनाया, दूसरा हमने कर लिया कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज हमने, कॉलेज और कॉलेज के बाद कॉलेज की पे हमने होल्ड कराया आईईटी लखनऊ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, एक और की बनाया, एक और की बनाया कंपनी, या तो ब्रांच कर लिया, ब्रांच, देखो डायरेक्ट ब्रांच लिखते हैं क्या, बताओ भाई, ब्रांच हम डायरेक्ट लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको स्ट्रिंग टाइप का जो की होगा वो स्ट्रिंग टाइप का बनाना पड़ेगा आपको। और मैंने कर लिया ब्रांच, और ब्रांच में मैंने कर लिया सीएस, ठीक है। उसके बाद कॉमा, हमने एज कर लिया, एज क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं, जो की होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पे एक और की बनाया एज नाम का, स्मॉल में ही कर लो, लेकिन जो की होते हैं, जो की होता है इन, देखो एसोसिएटेड एसोसिएटिव एरे में जो की होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, जैसा आप बनाओगे वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो, एरो और हमने एज में कर लिया इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है कुछ, तो हमने एज कर लिया 30 या 29, ठीक है। तो ऐसा हमने एक एरे बनाया। तो इसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, जैसे आपने देखा कि इसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए न्यूमेरिक एरे को, न्यूमेरिक एरे के डेटा को प्रिंट करने के लिए आप इंडेक्स वाइज प्रिंट करा लेते थे, यानी कि 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, वैसे आप प्रिंट करा लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके एलिमेंट को एक्सेसिंग या अब कैसे एलिमेंट को एक्सेस करोगे, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएटिव एरे, कैसे आप एक्सेस करोगे। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो की है न्यूमेरिक नहीं है, तो स्ट्रिंग तो है, तो स्ट्रिंग है तो देखो क्या करोगे, हमें अगर राहुल ये नाम को प्रिंट कराना है, उसके कॉलेज को डेटा को प्रिंट कराना है, उसके ब्रांच के डेटा को प्रिंट कराना है और एज को प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे, इसकी की जो स्ट्रिंग टाइप की है और एरे का नाम क्या है, ए आर आर, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, डॉलर ए आर आर, डॉलर यानी कि इको कराना है तो इको कर सकते हो डॉलर ए आर आर ऑफ, अब यहाँ पे इंडेक्स न्यूमेरिक नहीं है, की जो है यानी कि इंडेक्स न्यूमेरिक यानी जो की है वो न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो आपने लिखा नेम और क्या प्रिंट होके आएगा, यानी कि जो भी नाम होगा वो आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इको आप कर लिया आपने, लेकिन
लेकिन ये जो की है, ये जो की है ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो यहां पे लिख सकते हो की ऑफ एसोसिएटिव एरे इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। एसोसिएटिव एरे का जो की होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि यहां पे क्या करोगे, यहां पे लिखोगे नेम तो ये एरर आएगा, इसके कंडीशन में क्या आएगा, एरर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया अगर कॉलेज को प्रिंट करना है तो जैसे कॉलेज आपने डिफाइन किया है वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। आपने कॉलेज देखो यहाँ पे कॉलेज क्या डिफाइन किया है, सी कैपिटल है, तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, आईटी लखनऊ। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को प्रिंट करा सकते हो। वैसे आपको क्या करना है, ब्रांच को प्रिंट करना है, तो जैसे ब्रांच लिखा है वैसे ही आपको केस सेंसिटिव है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल में छोटा सा आप एसोसिएटिव एरे का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा सी एस, और यहाँ पे हमने लिखना है एज। तो यहाँ जो चीजें लिखोगे एजीई, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही आपको लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ये ध्यान देना है ना। काफी लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि एसोसिएटिव वगैरह को प्रिंट कराते हैं, तो अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे की बनाया तो यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर ही यानी कि स्ट्रिंग टाइप का ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज में आपका आपका आ जाएगा 29। तो ये आपका एक छोटा सा एसोसिएटिव एरे का एग्जाम्पल था, इस पे आते हैं। ठीक है, चलो तो इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने यही एरे बनाया है, एरे को आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो जितने सिंटेक्स हमने उसमें बताया था वो सेम वैसे ही आप इसमें भी बना सकते हो, लेकिन बस की को क्या कर लेना है, की को क्या कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक, वहां पे इंडेक्स सिंटेक्स देखा और यहाँ पे मैंने फिर से एक एरे बनाया। चलो वैसे भी एरे बना सकते हो एसोसिएटिव, या तो दूसरा सिंटेक्स क्या है कि आप डॉलर, हमने कर लिया डॉलर स्टूडेंट इन्फो, हमने या इन्फो नाम का एरे बनाया। ठीक है, हमने इन्फो नाम का एरे बनाया, डॉलर इन्फो इक्वल और एरे बना लिया ARR। ठीक है, एरे के अंदर आप ऐसे भी एंटर करके भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो ये बताओ आप कि यहाँ पे वैल्यू हमने सेव कर लिया पहले सी ड्राइव के अंदर, जितने सिंटेक्स हमने आपको न्यूमेरिक एरे में बताए थे सेम वो सारे सिंटेक्स यूज कर सकते हो। बस करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो की होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ST डॉक्स के अंदर आते हैं और सिलेबस PHP डेमो डेमो 17.php। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को हमको की को असाइन करना है, तो ये बताओ कि यहाँ हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसके अंदर एरे के अंदर लिखते हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, क्यों, या तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है की। तो जैसे हमने कर लिया कि की के जगह पे हमने कर लिया, सब स्मॉल में डिफाइन करते हैं, नेम नेम और एरो। नेम क्या करना है भाई, हमने कर लिया राम। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे कि सेमी कॉलन से, बताओ। एरे में आप कॉमा से सेपरेट करते हो तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा कॉमा से सेपरेट। हमने यहाँ पे कर लिया नेम के बाद कॉलेज, तो कॉलेज कर लिया, या तो कंपनी कर लिया, कंपनी कंपनी हमने कर लिया टेक पाइल। ठीक है, उसके बाद कॉमा से ही सेपरेट करना है हमने सैलरी, हमने कर लिया मान लो ये इंटीजर टाइप का सैलरी या फ्लोट टाइप का है तो हमने 50,000 कर लिया। ठीक है, उसके बाद सैलरी के बाद कर लिया जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे लोकेशन हमने कर लिया, लोकेशन लोकेशन और एरो। उसके बाद लखनऊ स्ट्रिंग टाइप का है तो लिखोगे लखनऊ। तो एरे ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी कि वैसे भी बना सकते हो। और की जबकि ध्यान देना है कि यहाँ पे जो की होंगे वो क्या होंगे, किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डेटा को प्रिंट करना है तो यहाँ पे वैसे ही प्रिंट कर सकते हो। देखो सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हमें पहले इको करना है, इको इको ऑफ
एक फॉर्मेट सही फॉर्मेट में दिखे, इसलिए मैंने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमने प्री टैग यूज किया, और एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज किया, और एरे का नाम क्या है भाई, इन्फो, इन्फो यूज किया, सेमी कॉलन और प्री टैग की क्लोजिंग कर ली, ठीक है, प्री टैग की क्लोजिंग कर ली। तो एरे को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और 17 क्या बनाया था, 17, तो यहां पे 17, ठीक है। तो देखो, नेम नेम राम, कंपनी टेक्पाइल, सैलरी, अब ये ऐसे आपके इस की पे ये एसोसिएटिव एरे है, और इसके एलिमेंट को आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हो लूप का यूज करके, तो आप फॉर ईच लूप का यूज करोगे, वो ज्यादा सही रहेगा, यानी कि आपको कलेक्शन बेस किसी एलिमेंट को निकालना है तो आप फॉर ईच का यूज करोगे, तो ज्यादा आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कंडीशन डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। तो फॉर ईच यूज किया, और फॉर ईच देखो लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप वहां पे करली ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते हो, अभी आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, यानी कि फॉर लूप में भी ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, और कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो, लूपिंग स्टेटमेंट में भी ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, या तो एक फॉर लूप फॉर ईच लूप बनाने का ये सिंटेक्स देखा था। अगर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे पीएचपी पाइथन में आप क्या यूज करते हो, कॉलन यूज करते हो, वैसे कॉलन का यूज कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस दोनों बस यही है कि यहाँ पे पाइथन में आप इंडेंट देते हो, यहाँ पे इंडेंट यानी कि स्पेस नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ता है इंड फॉर ईच का यूज करके, यानी कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते हो तो लिखोगे कॉलन, और उसके बाद लिखोगे एंड एंड फॉर ईच, ठीक है, एंड फॉर ईच, तो यहाँ पे फॉर ईच की ओपनिंग किया और कॉलन लगाया, इसके बाद एंड फॉर ईच, इसको एंड करना पड़ेगा, यही सेम सिंटेक्स आप फॉर लूप पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते हो तो, और यहाँ पे क्या कर लोगे, एंड फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट से हमको, इस एरे से हमको एलिमेंट्स को प्रिंट करना है डायरेक्ट, केवल अभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो बताओ, तो हमने लिखा एरे का नाम क्या है, डॉलर इन्फो एज, और डॉलर इन्फो एज, अगर मैं केवल एक वेरिएबल डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन करूँ तो क्या आएगा, एक्स पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, अभी मैंने बताया था वैल्यू आएगा कि की आएगा, अगर केवल एक डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा, अगर एरो की भी डिफाइन करना ये चाहते हो की हो तो ये आपका की हो जाएगा, और वैल्यू आपका किस पे आ जाएगा, जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, तो अभी मैंने केवल क्या करना है कि वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी कि क्या आएगा भाई, यानी कि ये फॉर ईच लूप एरे के हर एलिमेंट के लिए चलेगा, और राम पहले आएगा, यानी कि डॉलर एक्स में राम, फिर टेक्पाइल, फिर 50,000, फिर लखनऊ, और इसको आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे की को अगर मैंने कल आपको एक सिंटेक्स और चीजें बताई थी कि आप इसके एलिमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हो कहाँ, आप यूएल टैग में या ओएल टैग में प्रिंट करना चाहते हो, हमें यूएल टैग में प्रिंट करना है, तो हमने कर लिया, ठीक है, हमने कर लिया यूएल। अब इसके बाद फॉर, यानी कि इसके ऑप्शन को एलआई में बाइंड करना है, तो यहां पे हमने कर लिया इको और यूएल की क्लोजिंग, ठीक है। क्यों हमने लूप के अंदर नहीं किया है, क्योंकि हमको लूप के अंदर ये यूएल की ओपनिंग क्लोजिंग करोगे तो उतने टाइम क्लोज और ओपन हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, अब एलआई को तो मल्टीपल टाइम जनरेट करना है, तो एलआई को मल्टीपल टाइम जनरेट करना है भाई, तो हमने लिखा इको, अगर डायरेक्ट अगर केवल हमें प्रिंट करना है वैल्यू को, तो हमने तो वैल्यू तो कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया वैल्यू डॉलर एक्स, लेकिन क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमें एलआई के अंदर बाइंड करना पड़ेगा, है ना, इसके यूएल के अंदर डायरेक्ट कोई टेक्स्ट लिख दोगे क्या वो अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगा, नहीं, यूएल के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, यानी कि एक बार यूएल ओपन होगा पहले, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या आएगा, डॉलर एक्स में राम आएगा, और यूएल के अंदर डायरेक्ट राम आ जाएगा, उससे अनऑर्डर लिस्ट नहीं बनेगा, तो आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए एलआई टैग का यूज करना पड़ेगा, और एलआई टैग के अंदर आपको डेटा को बाइंड करना पड़ेगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल यानी कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का भी यूज कर सकते हो, तो एलआई को लिखना है तो हमने एलआई टैग यूज किया,
और यहाँ पे li के बाद हमें डेटा को प्रिंट करना है, तो मैंने क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस और डॉलर, डॉलर के बाद डॉलर एक्स, डॉलर एक्स में क्या आएगा, राम टेक्पाइल 50,000 एंड लखनऊ, एंड उसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पे li की क्लोजिंग करनी है, इतना सा करना था। इससे क्या होगा कि देखो पहले यूएल ओपन होगा, उसके बाद एक एलआई की ओपनिंग होगी और उसके अंदर पहले क्या आएगा, राम आएगा, एलआई की क्लोजिंग, फिर उसके बाद फिर से लूप। अभी देखो हर एलिमेंट के लिए जब तक कि एलिमेंट इसमें खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये लूप यानी कि चलता रहेगा। फिर उसमें एलिमेंट है, अभी टेक्पाइल है यानी कि इस की पे भी प्रेजेंट है यानी कि टेक्पाइल, तो हमने टेक्पाइल फिर आएगा, फिर एक और एल आई जनरेट होगा उसमें टेक्पाइल आ जाएगा, फिर एक और एल आई जनरेट होगा उसमें 50,000 आ जाएगा, फिर एक और एल आई जनरेट होगा उसमें आ जाएगा आपका क्या, लखनऊ। उसके बाद इसके आइटम खत्म हो गए तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होकर जब ये यहाँ पे आओगे तो ये फिर से यूएल की क्लोजिंग कर देगा और ऐसे आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो क्या करना है, तो ये फॉर ईच लूप का एक और सिंटेक्स है, अगर आपको इंडेंट यहाँ देना चाहते हो तो दे सकते हो ताकि आपको क्लियर हो कि ये किसके अंदर कोड किया गया, नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और रन कराया 17 वाला ही था, तो देखो राम टेक्पाइल 50,000 एंड लखनऊ, तो अभी ये क्या आ रहा है। चलो इसके टाइप को चेंज करना है, तो एचटीएमएल में आपको पता है, एचटीएमएल में पता है कि इसके बुलेट्स के टाइप को चेंज करना है। बुलेट्स के टाइप को चेंज करने के लिए आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हो, तो यहाँ पे हमने टाइप लिखा है तो बाहर डबल कोट्स है, तो ध्यान रहे यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं बना सकते हैं, यानी कि जब भी डबल कोट्स आएगा तो अंदर सिंगल कोट आएगा, यानी कि टाइप स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, सर्किल करना है तो सर्किल, डिस्क करना है तो डिस्क, हमें स्क्वायर टाइप में दिखाना है बुलेट्स के तो स्क्वायर कर लीजिए, एचटीएमएल की बातें हैं, आप एचटीएमएल में पढ़ोगे तो स्क्वायर कर लिया, ये बुलेट्स तो स्क्वायर में आ रहा है। अभी केवल डेटा प्रिंट हो के आ रहा है, अभी केवल डेटा प्रिंट हो के आ रहा है, हमें क्या करना है कि इसके की को भी प्रिंट करना है कि नेम ये किस पे है, ये किस पे है, ये किस पे है, यानी कि 50,000 किस पे है, और लोकेशन ये भी हमें इसके साथ प्रिंट करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, कोई बताएगा क्या यूज करोगे, बताओ भाई क्या यूज करोगे, हमें उसके की को भी प्रिंट करना है, तो अभी तो बताया क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे यूज कर लोगे एरो, यानी कि एरो जैसे ही यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, और उसकी वैल्यू को जिस वेरिएबल पे होल्ड करना है वो आप, जैसे हमने आप यहाँ पे कर सकते हो K1, हमने कर लिया की, जरूरी नहीं आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो की, और यहाँ पे वैल्यू कर लिया वी पे। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि के पे क्या आएगा, के पे क्या प्रिंट हो के आएगा, यानी कि यूएल के अंदर क्या आएगा, ये राम आएगा, टेक्पाइल आएगा 50,000 एंड लखनऊ की नेम कंपनी सैली एंड लोकेशन क्या आएगा बताइए, यानी कि के पे क्या आ रहा है, की आ रहा है ना, सर इसमें की इंडेक्स स्ट्रिंग, इसमें की इंडेक्स, हाँ इसमें देखो इसमें कर सकते हो, इसमें अभी सर एरो, हाँ ठीक है एरो क्या बता रहे हो, की, हाँ की आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर भी एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आएगा वो नंबर आएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर नंबर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें आएगा की, और की के जगह पे यानी कि या आपका ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा नेम कंपनी सैलरी एंड लोकेशन, लेकिन हमें अब उसके डेटा को भी प्रिंट करना है, तो देखो ये आया नेम कंपनी सैलरी एंड लोकेशन, तो हमें क्या करना है कि डेटा को भी प्रिंट करना है, और बीच में हम यूज करना चाहते हैं कॉलन, कॉलन यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूज कर लिया ठीक है कॉलन, और कॉलन के बाद हम उसके बाद प्रिंट स्पेस देना चाहते हैं और वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप कर सकते हो उसके वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, वैल्यू किस पे है, डॉलर वी पे, डॉलर वी पे है, यानी कि के एंड वी दोनों आएगा, यानी कि नेम राम कंपनी टेक्पाइल सैलरी 50,000 एंड लोकेशन लखनऊ। आप इंडेक्स ऐसे भी मैसेज दे सकते हो, ये मल्टी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, तो यानी कि यहाँ पे की और वैल्यू, तो जैसे भी मैसेज देना है प्रेजेंट ऐड कर सकते हो, सिक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे आप एसोसिएटिव एरे का यूज कर सकते हो। अब आते हैं, तो ये
आप वही सारे सिंटेक्स आप अप्लाई कर सकते हो जो हमने आपको न्यूमेरिक एरे बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या तो एरे इनिशियलाइज यानी कि डिक्लेयर करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हो की पे। वो सारे तरीके आप रूल्स अपना सकते हो एरे के, जितने भी हम तरीके आपको यहाँ पे बताए हैं। देखो बहुत सारे तरीके से बताए हैं कि एरे को ऐसे बना सकते हो, यहाँ या तो ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे की और एरो का यूज करोगे, की और एरो वैल्यू का, की एरो वैल्यू का। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट किया तो यहाँ पे बस की क्या हो जाएगा, की आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एरे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज, एरे फंक्शन का यूज करके बनाना चाहते हो तो यहाँ पे की हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का। या तो ये वाला सिंटेक्स तो अभी आपने देखा, या तो ये वाला सिंटेक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम इसको चेंज करके हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने एरे फंक्शन का यूज नहीं करना है, ये PHP 5 का तरीका है। तो हमने PHP 5 में ऐसे भी एरे बना सकते हैं, है ना, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका आउटपुट वही आएगा, देखो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये सारे सिंटेक्सेस आप तरीके अपना सकते हो। अब आते हैं मल्टी डाइमेंशनल एरे पे, अब आते हैं मल्टी डाइमेंशनल एरे। देखो तो आपको हमने बताया कि मल्टी डाइमेंशनल एरे में कल थोड़ा थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताया था कि इंडेक्सेस एरे क्या होता है, न्यूमेरिक एरे जिसके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं न्यूमेरिक की पे, और एसोसिएटिव एरे में केवल न्यूमेरिक नहीं होगा, उसके अलावा इंडेक्स यानी कि स्ट्रिंग टाइप का भी की हो सकता है, और यानी कि स्ट्रिंग टाइप के की पे आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं। और यहाँ पे मल्टी डाइमेंशनल एरे में आपका आ जाएगा, मल्टी डाइमेंशनल एरे में आप क्या कर सकते हो, मल्टी डाइमेंशनल एरे में कलेक्शन ऑफ एरे, यानी कि हमने लिखा मल्टी डाइमेंशनल एरे सच टाइप ऑफ एरे, सच टाइप ऑफ एरे विज कलेक्शन ऑफ, क्या आपको क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ एरे इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो देखो इसके मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होंगे कि हर एलिमेंट यानी कि एक एरे का कलेक्शन होगा, यानी कि एरे जो होगा एरे के अंदर एरे बना सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल एरे या सच टाइप ऑफ एरे विच स्टोर्स एरे एट ईच इंडेक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू। देखो यानी कि जो मल्टी डाइमेंशनल एरे होता है वो इस टाइप का एरे होता है जिसके हर एलिमेंट पे, हर इंडेक्स पे एक एरे प्रेजेंट होता है सिंगल वैल्यू के बजाय। यानी कि हमने बताया कि यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पे जो एरे है, यहाँ पे देखो ये एरे आपने बनाया था, यहाँ पे एक एरे बनाया था सिंपल ये, तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे होगा तो यहाँ पे इसके सिंगल हर इंडेक्स पे क्या होगा, हर एरे के हर इंडेक्स पे क्या होगा, एक एरे प्रेजेंट होगा सिंगल वैल्यू के बजाय। मैंने यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरे होता है मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो एरे का कलेक्शन होता है, यानी कि उसके हर इंडेक्स पे एरे प्रेजेंट होते हैं, ना कि एक सिंगल वैल्यू। समझ पा रहे हो आप, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे है, एक सिंगल एरे है, सिंगल डाइमेंशनल एरे है, यानी कि इसके सिंगल डाइमेंशनल एरे में क्या होता है, सिंगल डाइमेंशनल एरे में उसके हर इंडेक्स पे एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट होगा, लेकिन मल्टी डाइमेंशनल एरे होगा तो क्या होगा, उसके हर इंडेक्स पे एक एरे प्रेजेंट होगा एक सिंगल वैल्यू के बजाय, है ना। यही तो मैंने बताया देखो, यानी कि बताया मल्टी डाइमेंशनल एरे इज अ सच टाइप ऑफ एरे विच स्टोर्स एरे एट ईच इंडेक्स इंस्टीड ऑफ सिंगल वैल्यू, यानी कि सिंगल वैल्यू के बजाय उसके हर इंडेक्स पे क्या होगा, एक एरे होगा। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि मल्टी डाइमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ एरे, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज क्यों करते हो, आपको कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना हो, जैसे आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में दिखाना हो, थ्री डी टाइप में दिखाना हो, तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हो। अभी एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया तो मैंने तो बताया आपको कि ये एरे का कलेक्शन होता है, यानी कि अगर 1D एरे की बात करें, 1D एरे, 1D एरे, 1D एरे यानी कि वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, आपका जो जो भी आपने न्यूमेरिक एरे एसोसिएटिव एरे अभी सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था, वैसे ही हमने 2D एरे देखना है, तो 2D एरे, 2D, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या n डायमेंशनल आप एरे को यूज कर सकते हो, 2D एरे। 2D एरे में क्या होगा, यानी कि एक एरे के अंदर एक एरे होगा, यानी कि 2D एरे का एग्जांपल जो होता है यानी कि इसमें क्या होगा, एरे ऑफ एरे को बोल सकते हो 2D एरे, एरे ऑफ एरे, यहां पे क्या होता है, एरे ऑफ एरे। एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करूं तो एक एरे बनाया, एक आपने एरे बनाया डॉलर, हमने बनाया डॉलर ARR इक्वल, ये क्या है, ये है अभी सिंगल एरे, यानी कि सिंगल डायमेंशनल, इसके अंदर एक एक एलिमेंट को प्रेजेंट करोगे तो वो सिंगल डायमेंशनल हो जाएगा। अब एरे के अंदर एक एक और एरे बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, एरे के अंदर एरे आपने बनाया, एरे के अंदर एरे बनाया तो वो 2D एरे हो गया, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे बनाया तो वो क्या हो गया, 3D एरे, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे बनाया तो वो 4D एरे, ऐसे ही एरे के अंदर एरे के अंदर एरे बनाते जाओ वो ND एरे कहलाएगा। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वो हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे के। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, एरे फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, मैंने किया 1,2 किया, ठीक है, 1,2 किया, या तो चलो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक एरिया कॉमा, यानी कि इस एरे के जीरो इंडेक्स पे एक क्या है, एक एरे है इसके, या तो एक ही लाइन में करो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे आगे, ठीक है। तो इस एरे यानी कि एरे ARR जो आपने एरे बनाया है उसके जीरो इंडेक्स पे क्या है, एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, क्या है, एक एरे प्रेजेंट है। फिर मैंने एक और एरे बनाया, इसमें जितने भी एलिमेंट करने हैं कर सकते हो, लेकिन अभी सेम वैल्यू कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हो, मल्टीपल एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक हमने एलिमेंट बनाया और इसमें भी उस यानी कि वन इंडेक्स पे भी क्या है, एक एरे है। फिर मैंने एक बनाया और यहाँ पे 2 इंडेक्स के बाद हमने बना दिया, यानी कि यहाँ पे 2 इंडेक्स पे किया, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, हमने कर लिया 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो ये क्या है, ये कौन सा एरे है, 2D एरे है कि 3D एरे है, ये है 2D एरे, 2D एरे है, यानी कि एरे के अंदर एरे आपने बनाया है। अगर एरे के अंदर ये एरे है और इसके अंदर भी एरे बनाया तो क्या हो जाता 3D एरे, फिर एरे के अंदर एरे बनाते तो वो क्या हो जाता, 4D एरे। तो ऐसे अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए देखो तरीका क्या है कि चलो यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है। चलो आते हैं, ये इसकी क्लोजिंग ये है। चलो तो ये एलिमेंट है, अब ये बताओ कि ये एरे है और ये एरे है, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये एरे है, और इसको प्रिंट करना है तो क्या करोगे, यानी कि पहले तो ये देखोगे कि इस एरे का ये किस एलिमेंट पे है, किस इंडेक्स पे, तो ये तो जीरो इंडेक्स पे है, और इस एरे का ये किस इंडेक्स पे है, ये जीरो इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे है, यानी कि हमें प्रिंट करना है 1 को, तो आप क्या करोगे, 1 को प्रिंट करने के लिए पहले इको, जैसे हमें प्रिंट करना है इको ऑफ एरे, अगर आप करोगे ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 करोगे तो 0 ये क्या रिटर्न करेगा, आप बताओ ये क्या रिटर्न करेगा भाई, ये आपको पता है कि ये रिटर्न करेगा एक एरे, यानी कि एरे रिटर्न करेगा उसमें क्या 1,2 रिटर्न करेगा, ये कमेंट लाइन हमने किया है। अब इस एरे के एलिमेंट को ये एरे है और इसका एलिमेंट हमको 1 प्रिंट करना है, तो ये किस इंडेक्स पे, यानी कि ये देखो ये 0 इंडेक्स पे है और इसका यानी कि ये एक 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है,
हमें वन को प्रिंट करना है, तो ये जीरो पहले तो इसका देखो ये जीरो इंडेक्स पे है, और इसके इस एरे के अंदर ये किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है, यानी कि आप प्रिंट करोगे क्या, यानी कि जीरो ऑफ जीरो, यानी कि ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट आपको देगा क्या, वन आउटपुट देगा। वैसे ही हमने किया, अब देखो इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है तो एरे आप जीरो करोगे तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये एरे है, और इसके इस एरे के ये किस पोजीशन पे है, वन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना है जीरो एंड वन करोगे यानी कि जीरो इंडेक्स, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये है, और इसके वन इंडेक्स पे क्या है, टू है, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही हमने कर लिया। अब इसके एलिमेंट तो प्रिंट हो गए, अब हमें ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को प्रिंट करना है, इस एलिमेंट को प्रिंट करना है तो ये किस इंडेक्स पे है, इस एरे के ये किस इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, तो वन इंडेक्स पे है, तो यानी कि वन इंडेक्स के हमें इस जीरो इंडेक्स का, यानी कि वन इंडेक्स पे तो आ गए, और इस एरे के ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है, यानी कि जीरो करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, ये आ गया, ये किसका है, ये ब्रैकेट कहां से आ रहा है, एक मिनट देखो कि कुछ, हाँ ठीक है, तो ये देखो, फिर उसके बाद ये वन इंडेक्स एंड जीरो, वन जीरो करोगे यानी कि वन जीरो करोगे तो फिर से क्या आएगा, यानी कि वन इंडेक्स, यानी कि इस एरे का वन इंडेक्स ये है, और इसके जीरो पे क्या है, टू है, टू आ जाएगा। फिर वैसे ही आपने किया, वन इंडेक्स के वन इंडेक्स पे क्या है, यानी कि जीरो वन, वन के वन पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वन है, और यहाँ पे क्या है, यानी कि वन के वन पे क्या है, थ्री है, तो थ्री प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थ्री प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो इस एरे का ये इंडेक्स किस पे है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये हो गया आपका टू, टू के ये फोर को प्रिंट करना है, तो आपने यहाँ पे किया टू, और यहाँ पे फोर को प्रिंट करना है, तो ये किस पे है, ये जीरो पे है, और यहाँ पे टू इंडेक्स के ये किस इंडेक्स पे है, टू के वन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर, और फिर उसके बाद ठीक है, टू के वन पे क्या है, टू के वन पे क्या है, यानी कि जीरो वन टू, टू के वन पे क्या है, टू के वन पे फाइव है, तो टू के वन पे करोगे, प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, फाइव, और उसके बाद इसको अभी हम लोग लूप से करेंगे, बहुत इजी तरीके से प्रिंट करा सकते हो, देखो। फिर उसके बाद आपने सिक्स को प्रिंट करना है, तो ये क्या है, इस एरे का जीरो वन टू, टू के ये किस इंडेक्स पे है, यानी कि जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स एंड टू इंडेक्स पे है, तो टू एंड टू करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स आएगा। ठीक है, तो ये एरे कौन सा है, यानी कि एरे के अंदर एरे आपने बनाया है, तो ये टू डी एरे है, ऐसे एरे के अंदर एरे के अंदर एरे बनाओगे तो थ्री, आप तीन एरे लगाओगे और उसके एलिमेंट को प्रिंट कराओगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल, किसका ये एग्जाम्पल किसका था, आपका एरे का था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां से, देखो एक मिनट, समझ पा रहे हो सभी लोग, दो भाई, हाँ ठीक, सही कह रहे, मल्टी डायमेंशनल एरे ट्री फॉर्मेट में होता है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा को दिखाना है तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हो। एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ एरे होता है, जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है कलेक्शन ऑफ एरे होता है। इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी किया और रन करा के देखो, तो देखो यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन मार्क पीएचपी, यानी कि पीएचपी का स्क्रिप्ट बनाया हमने, ठीक है, सेव कर लेते हैं, डेमो 18.php, ठीक है, ये एरे एक सिंगल 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 और यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद आपने एरे के हर एलिमेंट को प्रिंट कराया, ठीक है, और सब में आपको सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं, डेमो 18, ठीक है, तो
आपका डेटा आया इस टाइप का, 1 2 2 3 4 5 लाइन को ब्रेक करना है, br टैग यूज कर सकते हो। तो एक तरीका तो यहाँ से देखा आपने, ऐसे डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। कंट्रोल आपको जिसको भी कमेंट करना है, हमको फॉर ईच लूप का यूज करके इसको प्रिंट करना है, मान लो तो हमने इसको कमेंट करना है, सेलेक्ट किया कंट्रोल के प्रेस कर लिया, ये कमेंट हो जाएगा। अब इसके एलिमेंट को हमें क्या करना है कि फॉर ईच लूप का यूज करके प्रिंट करना है। तो फॉर ईच लूप का प्रिंट करके करना है, यूज करके प्रिंट करना है, तो आप बनाओगे पहले फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच फंक्शन आप दोनों ही तरीके आप जानते हो, जैसे भी आपको लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। उनको ठीक है, तो चलो यहां पे आते हैं। अब इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो देखो एरे के आपको पता है कि यहां पे आते हैं और यहां पे क्या लिखोगे, कलेक्शन पहले पास करते हैं, यानी कलेक्शन का नाम क्या है, एरे एज। और देखो एरे एज अगर करोगे यहां पे तो क्या क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने यहां पे किया, अगर सिंगल वैल्यू यूज किया हमने, कर लिया डॉलर एक्स। अब ये बताओ कि एक्स पे क्या आएगा, एक्स पे यानी कि इस एरे का ये आइटम क्या है, इसकी इस एरे का के आइटम है, यानी कि एरे है, ये है, ये है और ये है, ये सभी एरे हैं। यानी कि एक्स में क्या आएगा, पहले ये वाला एरे आएगा, यानी कि ये फॉर ईच लूप चलेगा इस एरे के हर एलिमेंट के लिए। यानी कि एक्स में पहले ये एरे आएगा, एक मिनट कैमरा डिस्चार्ज हो गया, मैं कैमरा कर ले। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद ये एलिमेंट आएगा, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद ये एलिमेंट आएगा एक्स में, ये एरे आएगा, फिर ये एरे आएगा। अब ये बताओ कि अगर मुझे इको अगर करूं मैं, तो क्या आएगा भाई बताओ, प्रिंट होगा कि एरे आएगा, एरर आएगा, क्यों? देखो आपको पता है कि यहाँ पे एरे को प्रिंट करने के लिए एक्स में क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। एरे को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हो आप, एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडर स्कोर आर यूज करते हो। एरे को आप इको से नहीं प्रिंट करा सकते हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट अंडर स्कोर आर का यूज करना पड़ेगा, प्रिंट अंडर स्कोर आर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे यूज किया डॉलर एक्स। देखो तो अभी तो ऐसा आया और इसके एलिमेंट को हमने प्रिंट कराया, चलो इसके एलिमेंट को हमने प्रिंट कराया, ठीक है, कुछ ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया। हमें अब इको नहीं करा सकते हो। अब देखो ये एक्स में क्या आ रहा है, पहला एरे आ रहा है, फिर दूसरा एरे आ रहा है, फिर तीसरा एरे आ रहा है। अब फिर से एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो आप फिर से एक फॉर ईच फंक्शन यूज करोगे, फॉर ईच के अंदर यानी कि नेस्टेड फॉर ईच यूज करोगे। और यहाँ पे एक्स पे क्या आ रहा है, एक्स पे यानी कि आपको पता है कि यहाँ एक्स पे क्या आएगा, एरे आएगा, तो एक्स पे एरे आए, तो यहाँ पे कलेक्शन ही तो पास करते हो, कलेक्शन एस हमने कर लिया डॉलर वाई। अब वाई पे क्या आएगा, यानी कि पहले ये लूप चलेगा पहले हर एलिमेंट के लिए, तो पहले ये लूप चलेगा, यानी कि एक्स में क्या आएगा, डॉलर एक्स में क्या आएगा, वन, डॉलर एक्स में क्या आएगा, 1 2, तो 1 2 आएगा, यानी कि एक एरे आएगा, यानी कि ये एरे यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और इसके हर एलिमेंट के लिए जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फॉर ईच फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि इसका हर एलिमेंट के लिए ये फॉर ईच फंक्शन चल जाएगा, फिर से क्या आएगा, फिर उसके बाद डॉलर एक्स में ये आएगा, और फिर ये डॉलर एक्स में यानी कि 2 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 3 आएगा, फिर इसके हर एलिमेंट के लिए ये फॉर ईच लूप चलेगा, इसको स्क्रॉल कर दे थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि फिर से क्या आएगा, ये एलिमेंट किस में आएगा डॉलर एक्स में आएगा, फिर ये डॉलर एक्स यानी कि डॉलर एक्स में क्या है, लास्ट वाला एरे है, और इसके हर एलिमेंट के लिए ये वाई की वैल्यू, यानी कि उसके हर एलिमेंट, इस एरे का हर एलिमेंट डॉलर वाई में आएगा, और वो
प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे इको, अब इको करा सकते हैं कि नहीं, अब इको करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एरे का एलिमेंट आ रहा है ना कि एरे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कर लिया डॉलर वाई, डॉलर वाई कर लिया, ठीक है, यानी कि एरे आया, एरे के हर एलिमेंट के लिए आपको, यानी कि ये देखो ये रो फॉर्मेट में, ये कॉलम फॉर्मेट में हम लोग यूज करते हैं। देखो अब इसको मैंने प्रिंट कराया और इसका एक एक एलिमेंट प्रिंट हो के आया, ठीक है, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो के आया। तो हमें क्या करना है, यानी कि ये देखो इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, देखो यहाँ पे क्या करूंगा कि पहले आएगा एक्स में क्या, ये पूरा डेटा आएगा, पूरा डेटा आएगा, पूरा डेटा यानी कि पहला वाला एरे, पहला वाला आइटम आएगा, पहला वाला आइटम आएगा और उसका हर एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। हम स्पेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा स्पेस दे सकते हो, ठीक है, यानी कि पहला इस एक्स में क्या आएगा, पहला एरे आएगा और उसका हर एलिमेंट प्रिंट कर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पहला एलिमेंट क्या आएगा 1 2, और उसके बाद यानी कि ये एक एलिमेंट प्रिंट होने के बाद आप ब्रेक करना चाहते हो तो क्या यूज कर सकते हो, इको और बी आर यूज कर सकते हो, ठीक है, इको बी आर यूज कर सकते हो। तो क्या आएगा, यानी कि पहला आइटम, यानी कि पहला आइटम स्पेस, फिर दूसरा आइटम, फिर एरे का तीसरा आइटम, ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना है। इसी को टेबल में अगर कन्वर्ट करना है, टेबल में प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या करोगे, टेबल में प्रिंट करने के लिए देखो, टेबल को बनाने के लिए आपको पता है, टेबल को बनाने के लिए क्या करते हो, टेबल में प्रिंट करना है, एक बार एक मिनट में देख लूं, ठीक है, ओके चलो, टेबल में डेटा को प्रिंट करने के लिए, टेबल में डेटा को प्रिंट करने के लिए आप क्या बनाते हो, टेबल की ओपनिंग, टेबल की ओपनिंग, टेबल की क्लोजिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाते हो भाई, रो, रो की क्लोजिंग, और इसमें डेटा जो आपको बनाना है वो टीडी के अंदर लिखते हो, टीडी एंड, यानी कि यहां पे लिखते हो टीडी एंड टीडी की क्लोजिंग, ठीक है, टीडी एंड टीडी की क्लोजिंग। तो देखो क्या करना है, यानी कि डेटा जो आपको लिखना होता है कहाँ लिखते हो, डेटा जो लिखना होता है टीडी के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको हमें टीडी के अंदर लिखना है, इसको एक टीडी के अंदर लिखना है, इसको एक टीडी के अंदर लिखना है, इसको एक टीडी के, यानी कि और ये एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट हमें क्या करना है, रो के अंदर बाइंड करना है, यानी कि एक रो बनाओगे और रो के अंदर क्या करोगे, रो के अंदर टीडी बनाओगे दो, और दो टीडी के अंदर एक वन को लिखोगे और टू को लिखोगे तो ये टेबल बन जाएगा, एक रो क्रिएट हो जाएगा, वैसे इसको प्रिंट करना है, वैसे इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक टेबल बनाया, लूप के अंदर अगर टेबल की ओपनिंग करोगे तो क्या होगा, और क्लोजिंग करोगे तो क्या होगा, जितने बार लूप चलेगा उतने टाइम्स आपका टेबल की ओपनिंग क्लोजिंग होगी। तो यहां पे हमने लूप के बाहर एक टेबल टैग बनाया, ठीक है, टेबल टैग बनाया, टेबल, और बॉर्डर देना है तो बॉर्डर कर लिया, बाहर डबल कोट से अंदर सिंगल कोट यूज करोगे, ये इको बनाया। अब इसके बाद फॉर ईच एक्स, एक्स में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा, तो फॉर ईच एक्स में क्या आएगा भाई, ये आपका एरे आएगा, इसी एरे के एलिमेंट को, इसके दोनों एलिमेंट को ही तो हमें रो के अंदर बाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक इको किया और यहाँ पे कर लिया टी आर की ओपनिंग, ठीक है, यानी कि अब आएंगे, यानी कि एक्स में क्या आएगा, एक्स में आपका आ जाएगा 1 और 2 पहला एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट को हमें कहाँ पे बाइंड करना है, अब इसकी ये लूप जब चलेगा तो हमें क्या करना है, हमें टीडी के अंदर बाइंड करना है, तो टीडी टैग यूज किया और टीडी की क्लोजिंग, और टीडी के अंदर हमें क्या करना है भाई, टीडी के अंदर जितने टीडी, यानी कि पहला आएगा एक्स में क्या, पहला एलिमेंट आएगा 1 और 2, और 1 और 2 किस में आएगा, डॉलर वाई में, पहले एक बार जनरेट होगा 1 और 2, यानी कि यहाँ पे हमने कर लिया डॉलर वाई, यानी कि अब क्या आएगा, यानी कि पहले आ जाएगा टी डी के अंदर 1, एक फिर उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगा एंड 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद जब लूप टर्मिनेट होगा, जब लूप टर्मिनेट होगा तो फिर ये एलिमेंट आएगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 आएगा, तो फिर से क्या होगा भाई, ये लूप चलेगा, एक TR बनेगा, TR बनने के बाद फिर से TR के अंदर आएगा 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 और 2, फिर वाई में क्या आएगा 1 और 2, 1 आएगा, एक टीडी जनरेट होगा, फिर 2 आएगा, टीडी जनरेट होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बी आर के जगह पे रो की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, क्यों,
बी आर के बाद रो की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अब इसको एक बार समझ लो आप, तो समझने के लिए देखो हमने एक क्या बनाया, हमने एक टेबल बनाया, टेबल यानी कि एक आपका टेबल की ओपनिंग हो जाएगी। फिर क्या आएगा, डॉलर एक्स, डॉलर एक्स, डॉलर एक्स में क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा यानी कि पहला एलिमेंट आ जाएगा। पहला एलिमेंट आया यानी कि एक एरे आया, डॉलर एक्स में क्या आया, एक एरे आया। इस एरे के अंदर क्या है, इस एरे के अंदर क्या है, वन एंड टू वैल्यू है। यहाँ पे आएगा फर्स्ट टाइम 1.2, है ना, इसको कमेंट कर लिया 1.2। और इससे पहले आपने एक टेबल की ओपनिंग है और रो की ओपनिंग है। उसके बाद ये जब लूप चलेगा तो इसके हर एलिमेंट के लिए y जनरेट होगा, यानी कि y पे क्या आएगा, y पे आएगा आपका 1 एंड y पे आएगा 2। यानी कि एक पहले क्या था, यहाँ पे एक टेबल की ओपनिंग, एक ओपनिंग, एक tr की ओपनिंग और उसके अंदर एक td जिसके अंदर आएगा 1, फिर एक td उसके बाद क्या आएगा 2। अब इस एरे का एलिमेंट खत्म हो गया तो फिर से ये वाला लूप टर्मिनेट होगा और फिर से क्या हो जाएगा, tr की क्लोजिंग। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जब पहला यानी कि x का आइटम खत्म नहीं हुआ है, x का आइटम अभी दो आइटम और हैं, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 एंड 2.3। और फिर से यानी कि फिर उसके बाद एक रो जनरेट हो गया, फिर से दूसरा एक रो की ओपनिंग होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 यानी कि 2 एंड 3, यानी कि फिर से एक ओपनिंग और उसके बाद 2, एक टीडी के अंदर 2, एक फिर उसके बाद टीडी के अंदर 3 एंड उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से उसके बाद जब इसके आइटम खत्म हो जाएंगे, इस लूप के आइटम खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, tr की क्लोजिंग। ऐसे ही ये वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसके आइटम खत्म नहीं हो जाते। और इस यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए पहला लूप चलेगा और इस एरे के हर एलिमेंट के लिए दूसरा लूप चलेगा और ऐसे आपका टेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, कमेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी टेबल की ओपनिंग, रो की ओपनिंग, टीडी की ओपनिंग क्लोजिंग, फिर रो की क्लोजिंग, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लूप के बाहर यानी कि टेबल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। यहां पे कर लिया इको ऑफ टेबल की क्लोजिंग, इको ऑफ टेबल की क्लोजिंग। ठीक है, तो ऐसा डेटा है। ठीक है, इसमें 3 डेटा था इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, सेम डेटा करना चाहते हो, रो स्पैन, कॉल स्पैन, स्पैन आप पढ़ते रहना एचटीएमएल में, तो ऐसे आप एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करा सकते हो। वैसे ही आप क्या करोगे, अगर 3D एरे होगा तो एरे के अंदर एरे बनाओगे और उसके डेटा को प्रिंट कराओगे, यूज करोगे। ठीक है, हाँ बताओ भाई। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और क्लासेस की टाइमिंग चेंज कर दें क्या, इवनिंग में कर दूं क्या मैं, बताइए, क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग में कर दिया जाए, बताइए भाई। चलो ठीक है फिर, हाँ तो फिर मीटिंग इन करते हैं आज की क्लास के लिए, थैंक यू। कल से देखते हैं और टाइम चेंज करते हैं, इवनिंग में टाइम क्लास की टाइम रखते हैं 5 या 6 PM से, बताओ भाई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, रिप्लाई करो, यही टाइम सही है। अच्छा, बहुत सही, ओके चलो फिर ठीक है, फिर देखते हैं टाइमिंग के लिए। और ठीक है फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, और ठीक है मीटिंग इन करते हैं, ओके।